करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का बड़ा विवादित बयान सामने आया है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पर अजीज कुरैशी ने निशाना साधा। शुक्रवार को तिरंगा फहराकर नमाज पढ़ने को लेकर विवादित बयान दिया है अजीज कुरैशी ने। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है भोपाल से, जहां पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का विवादित बयान सामने आया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के को लेकर ये विवादित बयान दिया है और निशाना साधा है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का विवादित बयान सामने आया भोपाल से, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के इस संकल्प पर निशाना साधा है। शुक्रवार को तिरंगा फहराकर नमाज पढ़ने पर विवादित बोल अजीज कुरैशी के, और शुक्रवार को तिरंगा फहराकर नमाज पढ़ने की बात पर बयान दिया है अजीज कुरैशी ने। मुसलमान नहीं होगा जो हो, किसी को रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, कोई मुसलमान ऐसी बात सोच भी नहीं सकता कभी कि नहीं। दूसरी बात है कि इस्लाम सिर्फ झुकता है खुदा के आगे, और ये इस्लाम का मजहबी फेथ है कि अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, अगर उसे अरब से भी हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए, तो अपना शस्त्र खड़ा दे, आखिरी मुसलमान बच्चा मर जाए, खून का आखिरी कतरा बहा दे, लेकिन देश की अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दे। मतलब ये ईमान है मुसलमान का, मतलब, और जो अगर ऐसा नहीं कहता, जो मुसलमान ये नहीं बोलता वो। और चुनावी साल में दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के लिए 2023 का चुनाव बहुत अहम है। एमपी की जनता सरकार बदलना चाहती है। कमलनाथ जी ने हर वादा पूरा किया। आदतन झूठ बोलने की बीमारी से पीड़ित है शिवराज। बजरंग दल की तुलना पीएम से बजरंगबली से क्यों की पीएम ने, ये बड़ी बात कही है। बजरंगबली की तुलना पीएम ने बजरंगबली से क्यों की, ये सवाल पूछा है दिग्विजय सिंह ने। दो हजार तेईस के चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूरे प्रदेश में ये भावना है कि जो अन्याय चुनी हुई सरकार के साथ और कमलनाथ जी के साथ भाजपा ने किया, अपने भ्रष्टाचार से कमाए हुए धन का आम जनता लेना चाहती है। मुझे तो घोर आपत्ति है नरेंद्र मोदी जी से जी। हमारे इष्ट देव हनुमान जी का उन्होंने अपमान किया है। बजरंग बली की तुलना किससे की।